हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है साइन कन्वेंशन ऑफ ILD और साइन कन्वेंशन ऑफ स्ट्रेस फंक्शन एंड इन सब का ओरिजिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस वीडियो के एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट म्यूलर बिस्लर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज डिटर्मिनेट प्लस इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर विथ इलास्टिक मेंबर। सो अब जानते हैं हम साइन कन्वेंशन ऑफ स्ट्रेस फंक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जब भी हम स्ट्रेस फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। अगर स्ट्रेस फंक्शन शीयर फोर्स हो तो हम लेफ्ट पोर्शन में डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे एंड राइट पोर्शन में अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, और अगर हम इससे रिवर्स फोर्स लगाते हैं तो हमारा ILD का शेप मैच नहीं होगा। सो इस साइन कन्वेंशन के पीछे रीज़न क्या है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस कंसीडर अ बीम सेक्शन। अब इस बीम सेक्शन पे हमें किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स निकालना हो तो हम इस सेक्शन को कट करेंगे। इस सेक्शन को कट करने के बाद एक ब्लॉक कंसिडर करते हैं। अब इस ब्लॉक पे हमें पॉजिटिव शेयर फोर्स लगाना हो तो हम राइट साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे एंड लेफ्ट फेस पे हम अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, तो कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। सिंस हमको पता है कि ये ब्लॉक हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें राइट पोर्शन पे अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा एंड लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बीम में हमें डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इस ब्लॉक को हम हटा देते हैं तो फ्रेंड ये रिजल्टेंट डायग्राम बनेगा। अब इस रिजल्टेंट डायग्राम में हमारे पास लेफ्ट पोर्शन में डाउनवर्ड फोर्स लगा है एंड राइट पोर्शन में अपवर्ड फोर्स लगा है, एंड यही सिमिलर कंडीशन हमारे पास मिलता है जब हम शीयर फोर्स का ILD बनाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसे ही शीयर फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं। नाउ लेट सी द साइन कन्वेंशन ऑफ ILD ऑफ बेंडिंग मोमेंट। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमें अगर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करना हो तो हम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉक है तो हम इसमें अगर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा शेप बनाएंगे। अब मान लो ये ब्लॉक किसी एक बीम के सेक्शन का बहुत छोटा सा पोर्शन है, तो ब्लॉक के राइट साइड वाले बीम के पोर्शन में इसके अपोजिट बेंडिंग मोमेंट लगेगा एंड लेफ्ट साइड वाले बीम के पोर्शन में इसके अपोजिट बेंडिंग मोमेंट लगेगा। अब हम ये ब्लॉक को हटा देते हैं। अब जो रिजल्टेंट मोमेंट शो हो रहा है वैसा ही मोमेंट हम ILD ड्रॉ करते समय लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है कॉन्सेप्ट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करने का। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।